बीजेपी को कुत्ता नहीं पूछता है आज के तारीख में। बराबर, वो छोड़ो, अपनी बात करो, बीजेपी की क्या बात करने का है। माहौल तो बहुत अच्छा है, अभी ईद आने वाली है और मिठाई बंटने वाली है। महा विकास आघाड़ी का एक तरफ से लहर है, लहर उद्धव साहब को सीएम बनाने के लिए, सब पब्लिक, पूरी महाराष्ट्र की पब्लिक इकट्ठा हुई है। लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को लेकर चला है, शायद 50 साल के अंदर ऐसा कुछ सीएम आया नहीं महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के मुकाबले में। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ठाकरे साहब ने धोखा दे दिया महाराष्ट्र के लोगों को। वो पीजी वाले से हम लोग लेना देना कुछ नहीं है, वो ऊपर के लेवल में है और हमारा उद्धव बाला साहब ठाकरे सीएम बनेगा। यूपी के सीएम कह रहे हैं कि यूपी वाला मॉडल देंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में। अरे यूपी को संभाल लो पहले भाई, आप यूपी को संभाल नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र को कहां संभालेंगे। कह रहे शिंदे साहब 1500 रुपए दे रहे महिलाओं को, आप कुछ नहीं है। 1500 रुपए हमारे जेब के दे रहा है शिंदे साहब, अपने जेब का नहीं दे रहा है। दुनिया की महंगाई हो गई, दुनिया की महंगाई हो गई। इधर 1500 देके उधर तेल का भाव बढ़ाया, शक्कर का भाव बढ़ा, दाल का भाव बढ़ा, हर खाने चीज का भाव बढ़ा है। 1500 लेके आदमी के जेब का पैसा कट रहा है। 1500 में 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। कह रहे हैं कि शिवसेना जो है वो धोखा दे गई बीजेपी को। शिवसेना ने धोखा नहीं दिया, बीजेपी ने गेम खेला, शिवसेना को और एनसीपी को तोड़ दिया। महाराष्ट्र की पब्लिक इकट्ठा हुई है, इस बार अनुशक्ति नगर के फहद अहमद वही जीत के आने वाले हैं, और कोई जीत के आने वाले नहीं, उतनी जीत की हिम्मत नहीं है। मुंबई में इमरान प्रताप गढ़ी का एक बड़ा रोड शो है, फहद अहमद की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थन में। पीछे देखिए तस्वीरें देख सकते हैं, इमरान प्रताप गढ़ी और जनता आई हुई है, लोगों से बातचीत करेंगे। बोलिए क्या माहौल है, क्या लग रहा है। माहौल तो बहुत अच्छा है, अभी ईद आने वाली है और मिठाई बंटने वाली है। ईद आने वाली है और मिठाइयाँ बंटने वाली है। ईद आने वाली है, किसके लिए ईद आने वाली है। फहद हुसैन की, फहद अहमद जो है भारी वोटों से जीतने वाले हैं, उसकी खुशी में ईद आने वाली समझो। क्यों जीतेंगे, बीजेपी तो कह रही है महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम आएगा। अरे बीजेपी, बीजेपी कहाँ से आएगी, बीजेपी ने कोई विकास ही नहीं किया तो क्या होगा। विकास हुआ है पूरे देश में, विकास हुआ है। कुछ नहीं, खाली मुंह से बोलते हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, नहीं नहीं। कह रहे हैं कि शिवसेना जो है वो धोखा दे गई बीजेपी को। शिवसेना ने धोखा नहीं दिया, बीजेपी ने गेम खेला, शिवसेना को और एनसीपी को तोड़ दिया। तो क्या मुद्दे होने वाले हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, विकास के मुद्दे हैं, और जो यहाँ पर गरीबों को जो है बेरोजगारी है, बेरोजगारी के ऊपर लोगों को बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए सारे मुद्दे चलने वाले हैं। कह रहे आप लोग बांट रहे हैं। हम लोग डांट रहे हैं, हम लोग डांट रहे हैं इसको, बीजेपी के लोगों को। बीजेपी के लोग, बीजेपी वाले तो कह रहे बटोगे तो कटोगे, उसकी तो राजनीति ऐसी है। अगर हिंदू मुसलमान कट जाएगा, अगर हिंदू मुसलमान कट गया, कभी यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहा, और यहाँ पर कभी बटेंगे नहीं, कभी कटेंगे नहीं, कभी नहीं बटेंगे। आप क्या कह रहे हैं, ना बटे है ना बटेंगे। और अनुशक्ति नगर में सब एक हुए हैं, सब एक हुए हैं, पूरा चित्ता के एक हो गया है, पूरा अनुशक्ति नगर एक हो गया है, सिर्फ फहद महा विकास आघाड़ी के लिए बीजेपी को हराना है और महा विकास आघाड़ी को जिताना है। महा विकास आघाड़ी वाले चोर है सब, वो जो बोल रहा है उसको डर लगा है, वो चोर है वो। जेल में चोर कौन गया था, चोरी करके किसने जेल में गया, चोरी करके जेल में कौन गया, कौन गया। अरे वही यहाँ का जो एमएलए था वही चोरी करके जेल में गया। हम थोड़ी गए, हम पार्टी छोड़ के भागे क्या, हमने पार्टी छोड़ के भागा, हम पार्टी छोड़ के नहीं भागे। क्या कह रहे हैं आप, महा विकास अघाड़ी चीता गेम से अनुशक्ति नगर से जीत रही है, जीत रही है, बड़ी बड़ी भारी बहुमत से। लेकिन महाराष्ट्र में कह रहे हैं बीजेपी का सरकार बनेगी। नहीं नहीं, वो झूठ है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको बता रहा है। लेकिन जमीनी सत्र में महा विकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे के सीएम बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने तो धोखा दे दिया महाराष्ट्र के लोगों को। नहीं 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 नहीं, लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को लेकर चला है, शायद 50 साल के अंदर ऐसा कुछ सीएम आया नहीं महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के मुकाबले में। उद्धव ठाकरे मुकाबले, उद्धव ठाकरे ने पूरे जात हर कास्ट के लोगों को लेकर चला है, और आज इसलिए महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे का ग्रह पड़ा है। और आप देख लेना 23 तारीख को महाराष्ट्र का सीएम अगर कोई बनता है उसका नाम उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे। यूपी के सीएम कह रहे हैं कि यूपी वाला मॉडल देंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में। अरे यूपी को संभाल लो पहले भाई, आप यूपी को संभाल नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र को कहां संभालेंगे। महाराष्ट्र हमारा बहुत ठीक है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर सरकार जो चल रही थी 2 साल पहले बहुत अच्छी चल रही थी। अभी उन लोग ने सूचना को एनसीपी को तोड़ के जो सरकार बनाया है वो बेवकूफ बना किया, गलती किया उन्होंने, उसकी उसका सजा लोगों को मिलेंगे। अभी जो लोगों परिणाम अभी मिलेगा, सजा मिलेगी,
सजा मिलेगी लोगों को। महाविकास अघाड़ी के लोग बड़ी भारी बहुमत से जिता कर उन लोगों को सबक सिखाएंगे। कह रहे जो राष्ट्र के साथ है वो बीजेपी के साथ है। नहीं, जो राष्ट्र के साथ है वो महाविकास अघाड़ी के साथ है। महाविकास अघाड़ी जब भी काम करिए महाराष्ट्र के अंदर तो महाराष्ट्र के हितों के लिए काम करिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करिए, महाराष्ट्र के कास्ट के लिए काम करिए। कोई नहीं बोल सकता कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार बेकार है, सब पसंद की उसको। अरे देखिए शिंदे जी ने दिया ना 1500 रुपए महिलाओं को। अरे वो एक दो महीना लोगों को लुभाने के लिए दिया है। और अभी राहुल गांधी ने 3000 रुपए देने का प्रॉमिस किए। अब महिलाओं को, महाराष्ट्र की महिलाओं को 3000 रुपए मिलेगा और जो महाराष्ट्र के अंदर जवान लोग है जो बेरोजगार है उनको 4000 रुपए महीना भत्ता मिलेगा। इतनी बड़ी घोषणा तो महाविकास अघाड़ी के लोग दिए हैं। महाविकास अघाड़ी का बहुत बड़ी भारी बहुमत से सरकार बनने वाली है। क्या कहेंगे महाविकास अघाड़ी के समर्थन में आप लोग आए? हमारे निश्चित आने वाले पूरा आएगा हमारा उद्धव बाला साहब ठाकरे, उसका मैं उप शाखा प्रमुख हूँ। हाँ, और हमारा उम्मीदवार आएगा जीत के। बस बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ठाकरे साहब ने धोखा दे दिया महाराष्ट्र के लोगों को। वो बीजेपी वाले से हम लोग लेना देना कुछ नहीं है। वो ऊपर के लेवल में एक है और हमारा उद्धव बाला साहब ठाकरे सीएम बनेगा, ये हमारा वादा है हम लोग का। लेकिन बीजेपी राज ठाकरे कह रहे बीजेपी से बनेगा सीएम। मतलब नहीं बोल के कुछ मतलब क्या है? मतलब क्या है हमको? महाराष्ट्र में अच्छा खासा सरकार लाना है। इंडिया का मतलब हमको जितने से जितना सीट हमको लाना है। हम तन मन से मेहनत करेंगे, पूरे के पूरे जहाँ शिवसेना लड़ रहा है उधर से हम लोग मेहनत करेंगे, जहाँ सड़क पर लड़ रहा है वहां से मेहनत करेंगे, महाराष्ट्र में सरकार लाने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल है महाविकास अघाड़ी का? महाविकास अघाड़ी का एक तरफ से लहर है, लहर उद्धव साहब को सीएम बनाने के लिए सब पब्लिक, पूरी महाराष्ट्र की पब्लिक इकट्ठा हुई है। इस बार अनुशक्ति नगर के फहद अहमद वही जीत के आने वाले हैं और कोई जीत के आने वाले नहीं, उतनी हिम्मत नहीं है। बीजेपी कह रही है असली शिवसेना और एनसीपी वो बीजेपी के साथ है, इंडिया गठबंधन। बीजेपी को कुत्ता नहीं पूछता है आज के तारीख में। बराबर, वो छोड़ो अपनी बात करो, बीजेपी की क्या बात करने का है? वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, कटेंगे तो कटेंगे, कौन काटने वाला है, कौन कटेगा इधर, ये बताओ इधर पूरे। अरे हम ये क्या है, दिख रहा नहीं है संविधान? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोग हमारे साथ में, महाविकास अघाड़ी के साथ में, उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ। प्रधानमंत्री भी तो यही बोल रहे हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे। तो अभी 10 साल से तो कौन है, वही प्रधानमंत्री है ना। अभी 11 साल हो गया तो सेफ किधर है? हमारी लड़की बहन देखो क्या है उनका हाल, जाके देखो बाहर साइड में 1500 रुपए बता रहे। 1500? अरे 1500 रुपया तो एक महीने का बाटले का पैसा 1500 रुपया क्या है? 12 महीना सिलेंडर फ्री करो ना, लाइट बिल 300 यूनिट फ्री करो, एक लड़की बहन उसमें खुश है, ये क्या है? ठाकरे जी आएंगे तो करेंगे। अरे एक लड़की बहन एक हिसाब से ना रिश्वत है, टेबल के व्हाइट मनी हो गया है, पहले ब्लैक मनी था अभी व्हाइट मनी है, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग को उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है। उद्धव साहब मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। यूपी के सीएम घूम रहे, वो कह रहे हैं कि यूपी वाला मॉडल देंगे हम लोग इन ऑर्डर में। यूपी में क्या मॉडल है, देखो अयोध्या में क्या हुआ। अयोध्या राम मंदिर सबका एक आस्था का जगह है, मंदिर तो एकदम अच्छे से बना है। आजू बाजू वाले लोगों का क्या हुआ, सबको बेघर कर दिए, उनका भी कुछ व्यवस्था करना चाहिए था। कोरोना काल में देखो यूपी में कितना एकदम एक लाश है एकदम पानी में गए। इधर क्या है, इधर देखो महाराष्ट्र के अंदर एक आदमी ऐसा कोई ऑक्सीजन के भी ये हो गया क्या? अच्छे से सबको व्यवस्था तो सबने करके दिए। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अनुशक्ति नगर में 2 नंबर बटन दबाकर फहद भाई को 1 नंबर मदद जिताओ। ठीक है, देखिए महिला क्या कहेंगे आप, क्या माहौल है? हमारा एकदम एक नंबर माहौल है, हमारा 2 नंबर बटन दबाएंगे, साथ को जिता के लाएंगे, हमारे उद्धव साहब की सरकार जरूर बनाएंगे। कह रहे शिंदे साहब 1500 रुपए दे रहे महिलाओं को, आप कुछ नहीं है? 1500 रुपए हमारे जेब के दे रहा है शिंदे साहब, अपने जेब का नहीं दे रहा है। दुनिया की महंगाई हो गई। इधर 1500 देखे, उधर तेल का भाव बढ़ाया, शक्कर का भाव बढ़ा, दाल का भाव बढ़ा, हर खाने चीज का भाव बढ़ा है। 1500 लेके आदमी के जेब का पैसा कट रहा है। 1500 में 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। आदमी लोग की रोजगार देना चाहिए लोगों को, मेन रोजगार है, लोगों का रोजगार नहीं है, बेरोजगार लोग फिर रहे। तो 1500 रुपए 3 महीने में क्या होने वाला है? कुछ नहीं है। योगी जी घूम रहे महाराष्ट्र में, कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। हमारे तो कटने वाले नहीं, हमारे
रहने वाले, हमारे पास गोपुर से रहने वाले लोग है, हमारे पास कटने वाले कौन है, हम लोग सब एक था और एक रहेंगे, हम लोग एक था, हम लोग एक है। जी सीएम आप जी सीएम बनेंगे, उद्धव साहब सीएम बनेंगे, बनेंगे एक सीएम बनेंगे, उनको सीएम बनने का कोई नहीं हो सकता, उद्धव साहब सीएम बनेंगे। ठीक है।